तो दोस्तों अगर आप Redmi का डिवाइस यूज करते हैं और Redmi का डिवाइस में अगर आप चाहते हैं कि MIUI का जो भी लेटेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले, चाहे वो आपका बेटा अपडेट हो या स्टेबल अपडेट हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका बेटा अपडेट बहुत ईजी तरीके से पा सकते हैं अपने डिवाइस में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ Redmi का डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये आपको Redmi का डिवाइस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ पे चले जाना है। सबसे नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विस एंड फीडबैक का। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको जो देखने को मिल रहा है सर्विस एंड फीडबैक का, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा माय फीडबैक का। तो दोस्तों अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं, कोई भी फीडबैक देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे फीडबैक देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गेट लोगो का। तो आपने जो भी लोगो भेजा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोगो आपने यहाँ पे अटैच किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी मान लीजिए बेटा टेस्टर बनना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अप्लाई मी टेस्टर ऑफ MIUI इंडिया स्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा और नीचे में आपको देखने को मिलेगा सबमिट फीडबैक का। तो बेटा टेस्टर बनने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपको अप्लाई वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको यहाँ पे टैप करना है। आप जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा तो इस प्रकार का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ यहाँ पे हेल्प का इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर में लिखा हुआ है अप्लाई मी टेस्टर ऑफ MIUI इंडिया स्टेबल रोम। तो आप MIUI इंडिया का जो स्टेबल रोम है उसके लिए मी का जो बेटा टेस्टर है उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि डियर मी फैंस, वी आर नाउ लुकिंग फॉर मी टेस्टर ऑफ MIUI इंडिया स्टेबल रोम to ensure you are able to receive update view OTA. Please make sure your device is on MIUI India stable ROM and the region is India. तो आपका regional जो है इंडिया होना चाहिए और आपको sure करना है कि आपके पास जो भी stable है इस ROM है वो इंडिया का होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ information आपको दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि must read before applying. तो apply करने से पहले आप कुछ यहाँ पे information पढ़ लें। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हैव अ हाई रिस्क। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में कि हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर बग्स और इशू एंड इज विलिंग टू कोऑपरेट विथ MIUI टीम टू फिक्स देम एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके मोबाइल में काफी सारे यहाँ पे बग देखने को मिल सकते हैं। हाई रिस्क का यहाँ पे बग देखने को मिल जाएगा, इशू देखने को मिल जाएगा। और जैसे आपको ये देखने को मिलता है तो मी टीम को आप वहां पे सेंड कीजिएगा और तुरंत ही आपका ये जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स किया जाएगा बेटा टेस्टर में। फिर दूसरा यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि देयर आर रिस्क ड्यूरिंग द अपग्रेड प्रोसेस, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव बैकअप ऑल डाटा बिफोर अपग्रेडिंग। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी बेटा अपडेट आता है तो उससे पहले आप क्या करें कि आपके मोबाइल में जो भी आपका बैकअप है उसको बैकअप ले लें और बैकअप लेने के बाद ही आप इसको अपग्रेड करें, क्या कि इसमें आपको प्रोसेस में हो सकता है कि प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड टू कलेक्ट योर मी अकाउंट आईडी व्हिच विल बी यूज्ड फॉर MIUI अपडेट रिलीज। तो जो आपका मी अकाउंट आईडी है वो आपका लॉगिन होना बहुत जरूरी है और लॉगिन होगा तभी जो भी डाटा होगा वो मी टीम के पास ये जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल बताया जा रहा है कि ये हेल्पफुल है कि नहीं है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बेटा टेस्टर के लिए आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस पर आपको यहाँ पे टैप करना, तो ये ब्लू वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो टैप करने के बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे साइट में चले जाइएगा और यहाँ पे साइट में जाने के बाद फिर से आपको यही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत होती है
तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्री एंड स्टार्ट कर। जैसे आप यहाँ पे एग्री एंड स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ये डाटा जितना भी है न्यू अकाउंट है वो मी टीम के पास चला जाएगा, और उसके बाद जो भी आपको बेटा टेस्टर होता है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।